얘랑 봐. 얘. सो गाइस, इस वीडियो में मैं ठट्टा जाऊंगा, ठट्टा जाके वहाँ शाहजहान मॉस्क और कौन सा मकली का कब्रिस्तान, वो थोड़ा मैंने विजिट किया है, तो उसके बारे में मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, तो तुम वो व्लॉग देखो, इतने मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। ओके राइट है गाइज, दिस इज योर बॉय गुफरान विद द न्यू गेम्स एंड अनदर वीडियो। तो गाइज, आज मैं आया हूँ बहुत हिस्टोरिकल प्लेस पे, मैं आया हूँ ठट्टा। ठट्टा से पहले एक मकली कब्रिस्तान आता है, मकली कब्रिस्तान में अभी थोड़ा विजिट करने आया हूँ। तो अभी सबसे पहले हम यानी मशहूर जो कब्रें, जो मशहूर मज़ार आते हैं, मशहूर शराइन, उन पर आए हुए मैं पहले आ चुका हूँ इधर, तो ये मैंने घूमा हुआ है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा मज़ार के अंदर तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसके बाद एक शाहजहान मस्जिद में जाएंगे जो है ठट्टा में, तो फिर देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं इधर आया हूँ मज़ार शरीफ में, पीछे तुम देख सकते हो, इसके पीछे अभी अंदर आगे जाना होगा मुझे, तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मकली की तुम्हें थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ, क्या सीन है मकली का। मकली एक कब्रिस्तान है जो 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक कंस्ट्रक्ट हुआ था, या कंस्ट्रक्शन हुई थी अच्छी खासी, यानी इसका मतलब कि इस 4 सदी में ये कब्रिस्तान बिल्ड हुआ है। और यहाँ 500,000 से ज़्यादा कब्रें हैं, 500,000 से ज़्यादा ग्रेव्स हैं, और उसमें हर किसी के श्राइन हैं। इसमें स्कॉलर्स के, बड़े बड़े स्कॉलर्स के, किंग क्वीन और बड़े बड़े जो बादशाह रहे हैं, बड़े बड़े सिविलाइज्ड लोग, उनकी कब्रें इधर हैं, और वो अभी तक चली आ रही हैं। अभी भी जो भी इधर ठट्टा में या इसी इलाके में किसी का इंतकाल होता है, ज़्यादातर वो मकली में ही दफनाते हैं, कोशिश होती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कब्रिस्तान है जिसमें 500,000 से ज़्यादा कब्रें हैं। दुनिया का बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े कब्रिस्तान में ज़्यादा है। तो वैसे हिस्टोरिकल जगह है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। मैं 2 बार आया हूँ, दूसरी बार अब आया हूँ, पहली बार एक बार आया था मैं। तो वैसे तुम इधर आ सकते हो फैमिली के साथ, और कुछ भी मसला नहीं है। यहाँ का बड़े बड़े मज़ार हैं, एहतराम अदब लाजमी है यहाँ, क्योंकि बड़े बड़े मज़ार हैं, वहाँ जाते हैं तो एहतराम और अदब बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, इसलिए यहाँ आने का, पहले ये मसला था कि यहाँ गेट में आने नहीं देते थे, गाड़ी वगैरह ये चक्कर होते थे, लेकिन अब ये सीन नहीं है, गाड़ी में भी आप आ सकते हो, अंदर गेट खुला हुआ है, गेट
अब अंदर आ सकते हो गाड़ी वगैरह में, ये सीन अब नहीं है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे पूरा कब्रिस्तान सिचुएटेड है। तुम सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, तुम्हारा पूरा दिन, पूरे 2-3 दिन में तुम पूरा विजिट कर पाओगे, एक दिन में भी मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बड़ा है। गाड़ी बाइक लाजमी है, पैदल तो तुम 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाओगे। तो ये होता है यहाँ, और मैंने पहले हाफ से ज़्यादा कब्रिस्तान घूम लिया, लेकिन अभी हम आए थे मेन श्राइन्स पे। तो इसके बाद हम जाएंगे शाहजहाँ मस्जिद में, जो कि ठट्टा में, और ये ठट्टा से 5 या 3 किलोमीटर दूर है। तो गाइज अभी हम शाहजहाँ मस्जिद में आए। शाहजहाँ मस्जिद के तुम देख सकते हो पानी कितना गंदा कर रखा है, लेकिन मस्जिद मॉस्क बहुत अच्छी है। इसकी भी तुम्हें थोड़ी बहुत हिस्ट्री में बताना चलता हूँ कि इसका ये सीन है कि 1647 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1659 में इसकी कंस्ट्रक्शन जाके ख़त्म हुई थी। और इसकी जो मटीरियल है, जिस चीज़ का बना, वो बेसिकली रेड ब्रिक्स हैं विद ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब कोने निकले हुए हैं, सही है, रेड ब्रिक्स का, और टाइल्स है, सही है, टाइल्स का बना हुआ है पूरा। और ये शाहजहाँ की जब हुक्मरानी थी उसी दौरान ये बना था। तुम देख सकते हो कितना खूबसूरत है। पास गाइज़, तुम देख सकते हो यहाँ की, ये मैं अंदर से तुम्हें दिखा रहा हूँ शाहजहाँ मस्जिद, इसको जामिया मस्जिद भी कहते हैं ठट्टा की। ये तुम देख सकते हो ब्रिक्स रेड कलर की, और रेड कलर की ब्रिक्स हैं। ऊपर तुम देख सकते हो ये रिंग्स बने हुए, और ये विंडोज़, ये सारी ये सहन है। इधर बहुत गर्मी हो रही है, और पैदल चलने से ना पाँव जल रहे हैं सच में। तुम देख सकते हो ये हर जगह पे स्पीकर लगे हुए ताकि आवाज़ पूरी मस्जिद में फैले। इसकी एक और बात मैं तुम्हें बताता चलूँ, इसमें 93 डूम्स हैं यानी गुम्बद, और उससे इसकी एक और खासियत ये कि तुम एक कोने में अजान दोगे तो दूसरे कोने तक इजीली आवाज़ तुम्हारी पहुँचेगी। ये इस घर की खासियत है। तुम देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। कितना कूल स्टफ है, देख सकते हो तुम। मस्जिद की कंस्ट्रक्शन देखो कितनी आला कर रखी है, हर जगह को तुम देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कितनी टाइट ज़बरदस्त उस ज़माने के लोगों ने कर रखी है।
इधर की एक और ख़ास बात ये है कि तुम अगर बीच सहन में से नहीं आ सकते गर्मी ज़्यादा तो साइड में से पीछे से आ सकते हो ऐसे, और यहाँ कभी भी हवा नहीं रुकती, हवा हर जगह से आ रही होती है, तुम देख सकते हो इधर से तुम इजीली आ सकते हो, वरना वो सहन है बाहर। तो देख रहे हो ना कितनी हिस्टोरिकल और कितनी मेहनत से बनाया होगा, आजकल के लोग कहाँ बना पाएंगे। ओके टू लीव, सही है। तो वैसे तुम देख सकते हो कितना कूल है, अभी हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, तुम देख सकते हो फोटोग्राफी सेशन ऑन है, लोग सो रहे हैं इधर। ये इस मस्जिद का वजू खाना है, देखो ओके मुझे शूज़ पहनने, सबसे ज़्यादा मुसीबत ये हुई कि शूज़ बार बार उतारने पड़ रहे हैं, जगह जगह मुसीबत हो रही है, शूज़ उतारो फिर वापस पहनो और उसको गंदे होने से बचाओ सबसे बड़ा, क्योंकि शूज़ और मेरी रिलेशनशिप बहुत गहरी है। तो गाइज़ अभी हम केंजर झील पे आए हैं और यहाँ के सीन तुम देख सकते हो, बोट पे भाई और मैं बैठे हैं, मोबाइल ना कर जाए। तो अभी हम जा रहे हैं, बाजार का नाम क्या भाई? नूरी जाम तमाची। अब इनकी स्टोरी मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन अभी हम हाँ वो हम कराची चल के बताएंगे। अभी हम बोट में देख सकते हो तुम, और अब बोट कुछ देर में चलने वाली है, क्रेजी सीन। यूं कर लो पैर फंसा लो अपने, ये पैर Toto down my shoes, Euro step my mood. I just caught the ring, yeah my fingers hold on the finer things. That's just what I do. When in down like three, me and my brother shoot. Toto down my shoes, Euro step my mood. I just caught the ring, yeah my fingers hold on the finer things. That's just what I do. When in down like three, me and my brother shoot. Who the fuck is you? Bitch, you need to stop. She swallow all my pride when she gave me top. You ain't doing jack, I sip it on the rocks. I rock my 22s, go pray for you get crossed.
you a goofy. Watch me take her to the movies. She like Disney. So we sipping on a Mickey. My whole pity. And your bitch like Icky Wicky. I'm like, really? I think you need to check your vision. Toto down my shoes. Euro step my move. I just caught the ring. Yeah, my fingers hooked. On the finer things. That's just what I do. When in down like three. Me and my brother shoot. Toto down my shoes. Euro step my move. देख सकते हो अभी हम सेंटर में केंजड़ झील के तुम देख सकते हो यहाँ पे भाई तो ये शाह ये क्या नाम है इसका हुंडलो अच्छा यानी शाह जाम तमाची और ये माइन नूरी की कब्र है और ये देखो बीच लेक के अंदर है ये चारों तरफ लेक है यहाँ लोग आ रहे हैं और ये बीच में कब्र ये कब्र I just caught the ring, yeah my fingers hooked on the finer things. That's just what I do. When in down like three, me and my brother shoot. Bounce it up and down like a dribble. Yeah. Two hand on that bit, double dribble. Bitch is simple. I said for your auntie, grandma, and your sister. Ooh. I don't give a fuck about it. They can listen. I went from ballin' to droppin' on dimes on the net like a Swiss, you bitch. See sauce up beatin', I threw that bitch up like I'm going from dish to dish. My cheek gon' glisten, always gon' power forward, Blake Griffin. Thinkin' I'ma travel for it, you trippin'. This is my 22s for a mission. मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ पूरी वीडियो देख कर आयो क्या चलो अच्छी बात है वॉच टाइम बढ़ता है तो आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे 18 बर्थडे एहसन की हैप्पी बर्थडे ब्रो और क्या कहते हैं वीडियो अब आएंगी ऐसे तैसे कि मैं मुहर्रम चल रहा था इसलिए मैंने एक ही वीडियो ड्रॉप करी क्योंकि मुहर्रम से एक दो दिन पहले की वीडियो सो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो इंटरटेन हुए हो तुम सो इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो पीपल सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल दैट बाय ब्रो अल्लाह हाफिज़ Yeah.